3, 2, 1 स्टार्ट। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। दूध बेच का काम चला रहे हैं, तो ये बता भी नहीं सकते भाई। मेरे पिताजी 2010 में गुजरे थे जी, ने ऐसे ऐसे दिन देखे भाई कि हमने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये भी घर चलाया भाई मंथली। घर की हालत हो रही है कि उड़ान खातर भी उधारे रुपये मांग के उड़ाए थे किराए के। सर वो रात गुजरी बस, सुबह मेरे पापा यहीं पूरे हुए सर, मेरे हाथों में ही सर वहाँ पे ऑटो। का कहता हूँ भाई, रोज़ फ़ोन करके न्यू कह दें बेटा चिंता ना करिए, अगर रुपया हम आप भेज दें उरे चिंता ना करिए, तू घर आराम से काम करिए तेरा। ये भाई बेराम ने भी है घर के, क्यों रुपये भेज दें उरे। देखता है क्या समस्या रही बढ़ता ना, वो तो दिख है बेटा तो सारे भाई है ना भाई मेरी। राम राम। राम राम भाई सारा ना है। राम 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 भाई। ओके तो भाई अभी उड़े बैठे हैं पंचकुला में। मैं तो भाई हफ्ते 10 दिन में कदा गेड़ा मारूं, इतना तो मैं खैर नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे ये भाई बहन बैठे हैं, इनसे बात करांगे। अब 5 तारीख में सुनवाई है, इस सुनवाई पे के होना जाना है। हमारे साथ मास्टर जी हैं। मास्टर जी राम राम। राम राम जी। राम राम। और मारे गले ताई भी है। ताई राम राम। राम राम बेटा। राम राम ताई। ठीक ठाक। हाँ ठीक सा बेटा। भैया सरकार सुन ले तो और बढ़िया। और बढ़िया, आज जब बता कर बैठे है ना हमने के इतनी सर्दी में जरूरी है घूमना। ठीक बात है। तो भाई एक साल हो गया। ठीक बात। तो ये सर्दी में बालक बैठे का फिर बेरा के है, वो तो जिसके मगा बीता उसने बेरा दुख का था। ठीक बात। फार्म कौन भरे क्या मेरा परे है सिफारिश सही बात है। तो भाई अभी शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। ये तो ट्रेलर था, शुरुआत को नहीं भाई शुरुआत करेंगे। रेडी भाई। 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन। जाने मन, जाने मन, जाने मन, भारत माता की। ये है भाई यहाँ का माहौल। फिजिकल वर्कआउट कर ले हम बार ने, ये देशभक्ति गाने गा ले हैं, और उसके बाद भाई सरकार का देखे जाए कल ने क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। फिलहाल वो कुछ नहीं रहा है, बस आस पे ये लग रहे हैं। अरे मीठी मीठी सोच है, सरकार ठीक करेगी, बिरयानी के करेगी, ठीक करेगी, कह कुछ सकते नहीं, सारा सौदा उन्हें के हाथ में नु है भाई। हाँ जी सर। और उनके हाथ में नहीं होता तो ये पूछा भी नहीं उन्होंने। तो कुछ ताई था पूछना, कितने के दिन हो गए ताई? राम राम। राम राम। कितने दिन हो गए? मत आज आई। आज आई हो? अच्छा। मत आज आई बेटा। अच्छा अच्छा। क्या कुछ लगा था ये बड़का का माहौल किसा है, कितनी बिरान माटी हो रही है, क्या कुछ करना? ये तो परेशान तो हो रहे हैं बालक, ये तो सबने दिखा है, और उन्हें भी देखना चाहिए जो बैठे जिसके हाथ में यो काम, उन्हें भी सोचना चाहिए इस बारे में। तो बच्चे इतने परेशान हो रहे और तो ज्यादा। आज पहली बार आई थी? हाँ पहली बार आई। तो मैं देखो यहाँ पे सारे भाई मेरे बहन बैठे हैं, और इनके सबके अपने न्यारे न्यारे एक्सपीरियंस हैं, घर में क्या क्या समस्याएं हैं इनका, और कितनी माड़ी अच्छी तो नहीं बन रही, अच्छी किसी के लिए नहीं बन रही, क्योंकि नेताओं के IPS IAS अफसरों के बेटे नहीं है, सारे बिल्कुल जो लोअर पोजिशन है वहाँ से उठ के आ रहे हैं। ये वो उम्र है जो इस टाइम पे कच्चा पक्का काम कर रहे थे, कहीं स्कूल में लाग रहे थे 2-3 हज़ार रुपये में, 4-5 हज़ार में पूरे घर ने चला रहे थे, आज वो सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया इनका। नुए बन रही होगी भाई है ना, अपने एक्सपीरियंस कौन कौन बताओगा घर में के चल रहा है भाई साहब? 28 तारीख है सर जी, 28 तारीख से बैठे हैं हम यहाँ पे, और मैं 28 हाँ जी, और मैं 28 नवंबर को ही आ गया, सिर्फ दो दिन के लिए घर पे गया था,
अभी जो फसलों में पानी भी चल रहा है ना, तो हमारे माता पिता ही एडजस्ट कर रहे हैं, और वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई आप गए हो ना तो अपना काम करके आ जाना, इसके लिए चाहे 2 दिन लगे या 4 दिन लगे यहीं पे है, और भी ज़्यादा के लिए बैठना पड़े तो यहीं पे भी है। देखो भाई कितनी बड़ी समस्या है, खेतों में पानी की ज़रूरत है, अरे माँ बाप ने ये सोचा भाई हम ना नहीं जमा खाट पर तो उठन ना दें, अरे आज मजबूरी पे वही सारा घर का काम करे हैं सारा कुछ। भाई मेरे, भाई जी नमस्कार। भाई जी मेरे पापा एक्सपायर हो रहे हैं, 15 साल हो लिए। मम्मी है डांगर रखा भाई, बैच दूध बेच का काम चला रहे हैं। 14 साल हो लिए लगातार पढ़ाई का खर्चा, बीकॉम एमकॉम करी, बहुत पढ़ाई भाई, बहुत रुपया लगाया, पढ़े भी बहुत भाई, 15-15, 16-16 घंटे मेहनत करी, सारा काम होया। जब भाई रिजल्ट आया जब बहुत खुशी हुई, रिश्तेदार भी परिवार में भी, अगर भाई इस घर में सख्त ज़रूरत थी, मतलब पूरा काम में नहीं है भाई, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आर्थिक कंडीशन नहीं लगा लो एक में सर, दूध बेच का काम चला रहे हैं, आप सोच सको मतलब परिवार की कंडीशन कैसी है, 3-3, 4-4 डांगर रखा, और फिर ऊपर तो सिस्टर की शादी करी, मैं भी पढ़ाया, तो मतलब कि भाई साहब मेरी तो न्यू ला लो कंडीशन का बारे में बुझो तो ये बता भी नहीं सकते, पर न्यू है मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, मम्मी ने बहुत आस है, और बस काम न्यू ही चल रहा है भाई जी। भाई साहब नमस्ते सर जी। सर मैं फरीदाबाद से हूँ, अब मेरी उम्र होगी है 22 साल, तो 12वीं करते ही पढ़ने लग गए थे, अब ये फिर इसमें नंबर आ गया, अब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, घर के सोचते हैं कहीं ठुकाएगा कहीं और लग जाएगी, ऐसी ज़िंदगी हो रही है, जब डांगर बांध के रख देते ना वहाँ खड़ा रहे वहीं वैसी कर रखी है घर के ने, अब सरकार सुन ले तो थोड़ा निकल जाए बाहर को, दुनिया नए साल मना रही है हम यहाँ बैठे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे भाई, ये दिक्कत है, जॉइनिंग करा दे हमारी, हम बस ज़िंदगी हमारी सफल हो जाएगी बस। देखो बात तो सही है इसकी, बेबे राम राम भाई, कहाँ से हो? सर जींद से। जींद से? हाँ जी। अच्छा जींद प्रॉपर जींद सर से ना जी, जुलाना के पास करसोड़ा गांव से। करसोड़ा था? हाँ जी सर। घर में कौन कौन है, मम्मी पापा? सर मम्मी है पापा हैं बस, दोनों बीमार हैं, उन बीमार को छोड़ के 28 नवंबर से हम भी यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा। सर हाँ जी सर, क्योंकि इस नौकरी से हमें उम्मीद थी कि भाई नौकरी मिली है चलो ज्वाइनिंग हो जाएगी, घर वालों की भी उम्मीद टिकी थी हम पर, लेकिन सर एक साल से हमारा टाइम ऐसे ही जा रहा है, बीच में ये देखो हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया था, हमारी मजबूरी हो गई थी उस टाइम भी, हमारी जान सर बस ये बच गए हम कैसे भी करके, और हमारे कुछ हो जाए तो सर शायद यहाँ ज्वाइनिंग हमारे किसी काम की भी नहीं रहती अगर हमारा हो जाए तो, क्योंकि घर वाले ने मेरे ऊपर आस हो रही है, तो सर इबुन ने छोड़ कर मैं यार बैठी हूँ, दोनों बीमार हैं घर पर सर। भाई बहन कोई? सर मेरी सिस्टर है वो मैरिड है, भाई है नहीं सर। देखता ही क्या समस्या रही बढ़ता ना, वो तो दिख है बेटा सब का अलग अलग समस्या है। देखो भाई जितनी मेरी बेबे बैठे ही हैं तो खैर ज़्यादा खुल कह कह भी नहीं सकती, लेकिन समस्याएं कितनी हैं घर में। भाई साहब सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर भाई मेरे पिताजी सर 2010 में गुजरे थे सर, ठीक है भाई, मेरे पिताजी 2010 में गुजरे थे जी, तो उसके बाद में सर मैं 13 साल का था, मेरी सिस्टर 15 साल की थी सर, उस टाइम हमारे भाई घर पर कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं था भाई, फादर साहब जितने भी छोड़ के गए थे पैसे उतने ही थे हमारे पास, वो 1-2 लाख, 3 लाख रुपए हो, तो भाई उसके बाद हमें भाई 5-5 हज़ार रुपये में जॉब भी करनी पड़ी थी, और भाई उस टाइम मैं शायद भाई 10वीं 11वीं जो भी थी, तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी उसके बाद में, और उसके बाद में भाई मैं मजदूरी भी की है मैंने, और भाई उसके साथ साथ पढ़ाई भी की है काफ़ी लंबे टाइम तक, और मेरी सिस्टर भी भाई हम ऐसा भाई 2010 से लेके 2017-18-20 तक हमने ऐसे ऐसे दिन देखे भाई कि हमने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये भी घर चलाया है भाई मंथली, वो जिसमें मेरी 2 सिस्टरें हैं और भाई 2 हम भाई हैं और मेरे माताजी हैं, तो भाई उसके बाद भी हमने भाई पढ़ाई करते करते गए, और भाई मेरी सिस्टर भाई इसी सरकार में लगी है भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं लगी है, इसी सरकार में लगी है एक्साइज एंड टैक्सेशन में ऑफिस में, तो उसके बाद भी भाई मैं पढ़ाऊँ और काफ़ी तकलीफ़ों के साथ भी हमने पढ़ाई की है, और भाई काफ़ी दुखों के दिन देखे हैं, तो भाई अभी अच्छे दिन आए हैं, तो मैं सरकार से भाई यही भाई फरमाइश करता हूँ कि भाई जल्दी जल्दी करवाए हमारी ज्वाइनिंग भाई जी। भाई देखो 5-5 हज़ार रुपये में घर पे 6-6 शख्स पालना कितनी बड़ी बात है। भाई मेरे जी नमस्कार सर, विनोद नाम है जी मेरा,
1990 की डेट ऑफ बर्थ है जी मेरी, और डेट ऑफ 1990 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, 30 साल हो गए जी मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। तो मैं लगभग 2006 से तैयारी कर रहा हूँ जी, तो लगभग 15-16 साल तक मेरे को तैयारी करते ही हो गई जी। अब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन हो गया, मैं अब मेरी शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, उनको मैं छोड़ कर यहाँ बैठा हूँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, और लगभग मैं 4 साल से अब इस भर्ती में मैं इसी आस पे था, और ये मेरा सिलेक्शन फाइनल हो गया। तब मैं सरकार से यही गुजारिश कर रहा हूँ भी जल्दी जल्दी हमारे को ज्वाइनिंग दिलवाए, इस चुंगल से निकाले, हमको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करवा दे, हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक सर अब क्या बताऊँ, घर की स्थिति 10 रुपये कितने होते हैं, 10 रुपये तक दिहाड़ी की हुई है सर मैंने, 10 रुपये कितने होते हैं, तो अब इससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब सर जल्दी जल्दी सरकार से ये रिक्वेस्ट है भी ज्वाइनिंग करवाए सर। देखो भाई, जब आदमी कोई नू कह के राजी को होता कि मेरा ब्यों तो नहीं है या वो है, लेकिन मजबूरियां ऐसी है, वो हैं आदमी ने बिना किस स्तर तक ले जावा, आज यह मजबूरी है मैं देखने लग रहा हूँ भाई। एक भाई मेरा पीछे ही बैठा है, इतने अखबार अड़े रखे हैं, बताओ मेरे भाई। राम राम जी भाई। राम राम, मेरा नाम सुमित है, चरखी दादरी थे जी। भाई साहब, घर की हालत हो रही है कि उड़ान खातर भी उधार रुपये मांग के उड़ाए थे किराए के, 10 लोग परिवार, मतलब काके था वो इकट्ठे रहे अगर भाई 10 किले, मगर काम ऐसा है कि घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाए है। सारे न्यू हाउस लाए बैठे थे, छोरा कि नौकरी लाग जाएगी, नंबर आ गया तबड़ी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमारा गुजारा चल रहा बढ़िया लाते हैं, रुपये की दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब, जिस दिन कोई काम हो जाए ना, अगर यूरिया DAP लानी पड़ जाए ना, तो 12 रुपये उधारे मांगने पड़े हैं, कोई न्यू नहीं है कि भाई घर ने दरे पाजे 15,000 रुपये भी, यह हालत हो रही है। और का कहता हूँ भाई, रोज़ फ़ोन करके न्यू कह दें बेटा चिंता ना करिए, अगर रुपये हम आप भेज दें, चिंता ना करिए, तू घर आराम से काम करिए तेरा, ये भाई बेराम ने भी है घर के, क्यों कर रुपये भेज दें हमारे, ठीक है उधारे मांग कर भेजें वे भी, मगर वे न्यू नहीं बताते बेटा हमने घर ने तकलीफ भी है इस चीज़ की है। भाई यह बात सरकार ने भी देखनी चाहिए कि पूरा कोई अपने शौक तो नहीं बैठा, सब मजबूरी में बैठे हैं भाई, सब नहीं सोचा थे अगर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी हमारा काम चल जाएगा बढ़िया, आज भाई 6 महीने हो जाते हैं हमने, ठीक है सब ने पूरा परेशानी हो रही है, ये आंटीज भी आ रही हैं हजूर है, ये कोई शौक में नहीं आए थे, इतने जाडे बैठे हैं पूरा, ये और भाई बहन बैठे हैं, सब मजबूरियाँ हम थे, किसी का कोई शौक में नहीं आता, ठीक है भाई। ठीक हो भाई, कोई शौक माड़ा के बैठता को नहीं, मजबूरी है हर मजबूरी में यड़ा के बैठे हैं। ले भाई इनसे और बैठ कर बात कर लो। हाँ बेबे, क्या कहना चाहोगे? नमस्ते सर, मैं यमुनानगर से हूँ सर, मेरा छछरौली में गांव है सर, लिद्दी गांव, और सर मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, हम 2 बहनें हैं 2 भाई हैं सर। सर जिस टाइम पहली बार इस हरियाणा पुलिस में सर रिजल्ट आया, दिसंबर में सिलेक्शन हुआ सर, तो घर वाले सारे खुश हो गए सर, बहुत गरीब फैमिली है सर मेरी, जो मेरा बड़ा भाई है सर उसने हमें दूसरों के आगे नौकर लग लग के सर पढ़ाया, क्योंकि मेरे पापा बचपन से ही ड्रिंक करते थे सर, जब से हमने अपना होश संभाला है तो घर में बस लड़ाई झगड़े, वही स्कूल में जाना, स्कूल के बाद आके लोगों के घरों में काम करना, उससे हमारा गलत चलता था सर, क्योंकि मेरे पापा हमेशा शराब ही पीते थे सर, और कोई काम नहीं उनका, लोगों ने पिला देनी ऐसे कोई काम नहीं सर करना, यही चलता रहा सर। बड़े होगी हम पढ़ाई करी, मम्मी ने भी मजदूरी कर करके सर हमें पढ़ाया, मैं भी सारा कुछ करवा दिया सर, तो उसके बाद सर फिर मेहनत करी, 10-10, 11-11 घंटे की स्टडी करी सर, उसके बाद सिलेक्शन हो गया, दिसंबर में जब रिजल्ट आया सर तो घर वाले सारे खुश हो गए सर, तो 10-12 दिन बाद ये पता चला कि रिजल्ट रिवाइज होएगा, तो इस बात का सारे घर वालों को टेंशन होगी भाई रिजल्ट रिवाइज होगा, अब दोबारा रिजल्ट आएगा, इसमें नाम आए ना आए पता नहीं क्या होगा, तो मेरे पापा ने इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन ले ली, कुछ बचपन से ही जब हम छोटे थे तब से शराब पीते थे, तो अंदर से भी अंदरूनी वीकनेस आ गई थी ज़्यादा, तो उनको पैरालाइज हो गए सर, एक बाजू और एक टांग जुबान सारा ऐसे ही बैठ गया, मतलब बिल्कुल भी काम करना उन्होंने बंद कर दिया, कुछ तो पहले ही नहीं सर करते थे, तो बिल्कुल बैठ गए कुर्सी पे, तो सर पैर पे जब उनको पैरालाइज हुआ 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहा, मच्छर काट गया सर पैर पे, मच्छर काटने से वो पूरी टांग सूज गई, ऑपरेशन करवाया सर, टांग कटवाई, एक टांग कटवाई सर, मतलब टेंशन होगी सर उनको बहुत ज़्यादा भी, रिजल्ट एक मुश्किल से लड़की लगी वे घर में जॉब आई, और अब दोबारा रिजल्ट आएगा उसमें पता नहीं क्या हो क्या ना हो, तो सर एक टांग कटवाई हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में सर यमुनानगर उनको एडमिट किया, जैसे ही एक टांग कटवाई सर तो दूसरी टांग में वही बीमारी दोबारा शुरू होगी सर, तो डॉक्टरों ने भी ये बोल दिया भाई अब इसको लेके ना यहाँ से चले जाओ, हमारे बस का नहीं है, चंडीगढ़ इसको एडमिट करवाओ, यहाँ से लेके चले जाओ,
तो डॉक्टरों ने भी सर मेरे साथ, मैं अपने पापा को लेके अकेली वहाँ हॉस्पिटल में थी, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत धोखा किया सर। उन्होंने ये बोला कि हम रेफ़र लिख देते हैं इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने रेफ़र नहीं लिखा सर। उन्होंने लिख दिया कि मरीज़ जो है ना यहाँ ज़बरदस्ती कर रहा है हमारे साथ, यहाँ रहना नहीं चाहता है और वो खुद जाना चाहता है चंडीगढ़। ये लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी में सर, वो रिपोर्ट नहीं पड़ी। फिर यहाँ आए सर मैं अकेली अपने पापा को लेके, टांग कटी 2 दिन बाद, पूरा ऑपरेशन पूरा ताज़ा था सर। टांग कटी को मैं लेके यहाँ आई अपने पापा को सर। तो यहाँ के इनको जो डॉक्टर थे सर, इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पापा को एडमिट कर लो। इन्होंने बोला ऐसे एडमिट नहीं करेंगे, पहले सुबह उठ के रसीद वगैरह रिसिप्ट जो है बनवाते हैं, फिर उसके बाद। फिर सर वेटिंग रूम में हम वेट करते रहे, मैं अकेली थी सर, पूरी रात वेट किया। और सर मेरे पापा का दर्द इतना था ना, मैं जिस भी हॉस्पिटल में उनको लेके जाती थी, पूरी बिल्डिंग में सर मेरे पापा के चिल्लाने की आवाज़ें थी, इतना दर्द था उनकी टांग में। तो यहाँ पे सर अगले दिन मैंने उठ के रसीद वगैरह कटवाई, कटवा के सर डॉक्टरों के पास लेके गई उनके। उन्होंने चेक वगैरह करके बोला भी ये तो ये जो ऑपरेशन था, टांग कटवाई थी, ये पूरा ख़राब हो गया है, ये दोबारा करना पड़ेगा अब, और भी ये बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है, और दूसरी टांग में भी सर वो बीमारी दोबारा शुरू हो गई थी सर। तो मैं डर गई सर, बिल्कुल अकेली थी यहाँ पे। तो सर 1-2 घंटे के बाद सर मतलब ब्लड निकलने लग गया सर लेटरिन की जगह से, इतने बड़े बड़े क्लोट सर ब्लड के, वो पूरा जिस स्ट्रक्चर पे लिटा रखा था वो पूरा स्ट्रक्चर खून से सर, मेरी पूरे शरीर में खून, सिर में खून, बॉडी पे पूरा खून खून हो गया सर। तो फिर मैं दोबारा लेके गई वहाँ पे, जो आसपास मरीज थे उन्होंने बोला भाई इसको तू अब लेके चली जा, जो डॉक्टर हैं इसको एडमिट कर लेंगे। सर आप यकीन नहीं मानने के, जो मैडम वहाँ पे खड़ी हुई थी उसके मैंने पैर पकड़े और मैंने उसको कहा भी मैं अकेली हूँ, मेरे पास मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है, मेरे पापा को एडमिट कर लो यहाँ, मेरे घर में और कोई नहीं है, दादे बाबा नाना चाची कोई नहीं है, मेरे साथ में कोई नहीं आया। तो उस मैडम ने ना सर ये बात बोली मेरे को कि अगर तेरे पापा मरने वाले हो ना तो तू अंदर ले आ इसको, नहीं तो यहाँ से दफा हो जा। सर ये मैडम ने बात मेरे को बोली वहाँ पे। तो मैं अपने पापा को सर वापस लेके आई, वो ब्लड वगैरह सारा कुछ मैंने अपने आप खुद साफ किया सर, लेटरिन बाथरूम सारा खुद मैं करवाती थी सर अपने पापा का। उसके बाद सर वो रात गुजरी, बस सुबह मेरे पापा यहीं पूरे हुए सर मेरे हाथों में ही सर। वहाँ पे ऑटो वाला खड़ा हुआ था सर, एक ऑटो वाले को मैंने कहा अंकल एम्बुलेंस करवा दो, उसने एम्बुलेंस करवाई सर। फिर मैं अपने पापा को यहाँ को मरे हुए को लेगी सर। और इस चीज़ में मैं सारा ये चीज़ मानती हूँ सर कि मैं गरीब थी ना शायद इसलिए मेरे पापा मरे हैं, नहीं तो किसी की जानकारी होती सर तो वो अंदर एडमिट कर लेते। मैं गरीब थी, मेरे साथ कोई नहीं था सर, यहाँ 2-3-4-5 जितनी भी रात रही सर मैं अकेले रही यहाँ। मेरा बड़े वाला भाई है सर वो अनपढ़ है, थोड़ा दिमाग ऐसा ही है। जो छोटे वाला भाई है सर वो डरता है बहुत हॉस्पिटल वगैरह से। बीच में सर मैं, हम दोनों बहनें हैं, मैं और मेरी बहन हम दोनों थे सर यहाँ पे, मम्मी घर पे थी सर। ऐसे ऐसे स्थिति से गुजर के आए हैं भाई यहाँ पर मास्टर जी। सर देखो यहाँ लगभग अभी जितने बच्चे बैठे हैं इनमें से कम 15-20 ऐसे बच्चे अपन मिले हैं जिनके पिताजी नहीं हैं। अरे और तो बोले हैं, ये तो बोल रहे हैं, और वो सारे तो शर्मंदे नहीं बोलते। और ये तो अभी जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनकी संख्या है, लेकिन टोटल बच्चों में कितने ऐसे होंगे, और बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनकी कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब है इसलिए वो आ भी नहीं पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे। तो मतलब एक्चुअल में तो यही है सर कि ये जितने भी बालक हैं इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वजह से यहाँ बैठने की वजह से भी उनकी फैमिली में दिक्कतें बढ़ती ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक भाई यही चीज़ है जिस तक कुछ सोल्यूशन हो सका है, आगे जाकर शायद अगली लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ जाओ, अच्छी हो जाओ। और अब सरकार देखो इसमें तो कोई दुराई नहीं, अगर सरकार की मंशा 100% हो जाए कि भाई करवाना है, बहुत सारे तरीके हैं लीगली तौर पर भी बहुत सारे तरीके हैं, तो सरकार करवा सकता है और रिक्वेस्ट है कि या करवाओ, क्योंकि अब जैसे इस गुड़िया ने बता दी जी, लेकिन सोच कर देखो मान लिया जिसके के लिए कंडीशन हुई है वो तो एज्यूम करने में भी एक बार तो शरीर में कापनी चढ़ जाए जी, तो या तो एक बार आप मतलब सोचने की बात। और गुड़िया हरिया कहीं ना कहीं बात सही भी है, बस गरीब थे तो शायद यह कंडीशन हुई, अगर पैसा होता तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, पैसे गिर तो कितने भी जाकर, हाँ हाँ पैसे गिर तो जी आपने बेरा कि कितने बढ़िया था बढ़िया में लेके जा सके थी और सबके में आवर, लेकिन एक लड़की है बेचारी घुमान लग रही है सारे और आखिर में यह भी कंडीशन हुई और फिर भी आड़े बैठी हैं, तो बहुत गलत है जी। तो भाई अब इससे अलग और तो के कहूँ भाई, सर मैं यहाँ की स्थिति सरकार के दिमाग में डालना चाहूँ।
अब इस तलक और कुछ नहीं भाई, फिलहाल यह वीडियो इतनी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दियो। अगर मुख्यमंत्री साहब इस वीडियो ने देखा है तो सोचो इन बालकों की हालात पे, इनके घर पे के कुछ गुजरन लग रहे हैं। फिलहाल भाई यह वीडियो देने धन्यवाद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।